आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। चिकन मसाले की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब होने वाली है। इसमें आपको बहुत ही सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू टेस्टी बाइट विद सबा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन में 1 serving spoon मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उस पे मैंने 2 medium size की अनियन को स्लाइस करके ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती हैं। आपने अनियन को लाइट गोल्डन ही रखना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना जो आपकी ग्रेवी का कलर होगा, जो आपके चिकन मसाले का कलर होगा, वो डार्क हो जाएगा। तो बस इसको लाइट सा ही करना है और जैसे ही अनियन हमारी हो जाएंगी फिर इसमें हम 1.5 यानी कि 1.5 medium size के टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और गलने के लिए रख देंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसमें हम कौन से मसालों का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ SS का चिकन मसाला, जो कि बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल है। तो यहाँ पे मैं SS का चिकन मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, जो 100% सर्टिफाइड है अपने वेगन के लिए, और यहाँ पे ये सर्टिफाइड है अपनी हलाल के लिए, क्योंकि ये मसाला पूरी तरह से हलाल है। तो आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पीछे इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, साथ में आपको रेसिपी का मेथड भी बताया गया है। यहाँ पे कुछ इनकी डिटेल्स दी हुई हैं, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। तो चलिए जी, इस मसाले से आज हम अपना मज़ेदार सा चिकन मसाला इस्तेमाल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कवर करके जो टमाटो को मैंने रखा था उसको चेक कर लेते हैं, वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें 1 tablespoon अदरक लहसुन का पीस यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, या जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता है। तो अच्छे से आपने इसको पकाना है। यहाँ पे हमारे मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया है, दैट मीन्स कि हमारा जिंजर गार्लिक पक गया है। अब इसमें लो फ्लेम में हम 1/2 cup फ्रेश दही ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को आपने लो रखना है, जिससे हमारा दही फटेगा नहीं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दही बहुत ही क्रीमी था और बहुत ही अच्छा थिक सा दही आपने इस्तेमाल करना है, जिससे वो फटे नहीं। अब यहाँ पे हम SS मसाला इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके सारे मसाले अवेलेबल हैं। हमें किसी भी तरीके की लाल मिर्च, धनिया पाउडर या सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, या और बहुत सारे जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक पैकेट आपके लिए इनफ है मसाला बनाने। तो इसकी क्वान्टिटी मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे लिए इतना इनफ था, क्योंकि मेरे चिकन की क्वांटिटी भी कम थी। बाकी फुल डिटेल रेसिपी आपको भी इसके बैक में मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इसमें 3 tablespoon के करीब कोकोनट ऐड कर रही हूँ। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आप मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा, लेकिन फ्रेश का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है, ये बोन वाला चिकन है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लिया है। तो आपने इस तरह से चिकन को इसमें ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इस पर मैंने करीब 200 ml वाटर ऐड कर दिया है। वाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे लाइट हैंड के साथ और कवर करके चिकन के टेंडर होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। 8 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा चिकन गला है या नहीं गला है। तो यहाँ पे हमारा चिकन पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। तो अब हम इसमें, क्योंकि काफ़ी पानी है, ग्रेवी है ये, तो अगर आपको ग्रेवी वाला चिकन मसाला पसंद है तो आप इसको इस स्टेज में फाइनल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी थोड़ा सा थिक करूँगी, साथ में इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए, इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ली थी, जिनको 1/2 cut कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च कोई टोटली ऑप्शनल है। साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और बस ये मज़ेदार सा हमारा चिकन मसाला बनके रेडी हो चुका है। इसको आप इंजॉय कीजिए।
और साथ में एक लेमन का जूस हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि उसके फ्लेवर को बहुत ही बढ़ा देने वाला। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन मसाला बनके रेडी हो चुका है। इसको परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ईज़िली अवेलेबल है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में। तो आई होप व्यूअर्स आपको मेरा ये आज का एफर्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं जी अगली रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखें बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में स्पेशली याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।